अम्मी फिर से सारी बातें जो नहीं करनी थी कर डाली माँ अम्मी. Great. Started. Perfect. So, welcome to another episode of the broadcast. My name is Ahmed Bashaar. My name is Nazar Syed. And today is a very special episode of the broadcast because when we started this podcast, it was supposed to be a cricket podcast. Yes. And the guest that we have today is a very special guest. I've been following him on Twitter for a very long time since his name was Cricket Updates. So, हमारे आज के guest है Mazhar bhai, and he's a statistician. He is a globetrotter. He travels all around the world, covering cricketing events. So, thank you so much, Mazhar bhai, for taking the time out. I really appreciate it. No problem. Thank you so much for inviting me here. So, सबसे पहला question मेरा ये है कि like what is a cricket statistician? आप करते क्या हैं? How did you begin with this whole job type? आपका first gig क्या था और like what is your job essentially? So मैं मोस्टली जो हूँ वो जो टीवी कवरेज होती है उसके साथ होता हूँ एज ए टीवी क्रू मेंबर. इससे पहले जो होते थे उसमें रेडियो में भी हमें देखने को मिलते थे, अभी भी हैं, अभी भी कई ऐसे दुनिया में स्टैट्समैन हैं जो कि रेडियो के साथ हैं. एंड्रू सैमसन है जो कि बीबीसी के साथ होते हैं, इसी तरह रिक फिनले हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में एबीसी के साथ होते हैं. तो लेकिन मैंने जो स्टार्ट किया था वो टीवी के साथ किया था. उससे पहले मैं लिखा करता था, कुछ मैंने ब्लॉग्स लिखे थे विजडन में, क्रिकिनफो पे. तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था सोशल मीडिया के ऊपर. फेसबुक पे एक पेज होता था मेरा जिसका नाम था क्रिकेट अपडेट्स, और उससे पहले ऑर्किट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जो कम्युनिटीज़ थी उनको मैं रन करता था. तो वहाँ से होते होते फिर ट्विटर के ऊपर आए और वहाँ से मुझे मौका मिला टीवी के ऊपर आने का. तो बस पिछले 5-6 साल से मैं फिर जो टीवी ब्रॉडकास्ट हैं, जो डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके साथ होता हूँ. जो पहली जो मेरी जो असाइनमेंट थी वो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज थी 2013 में, जो शान मसूद का भी डेब्यू था. तो वो मेरी पहली सीरीज थी. That's very interesting. तो अभी मैं रिसेंटली आपके मैं ऑल टाइम 11 देख रहा था. आप माशाल्लाह से बहुत ट्विटर पे लोगों को एक्टिव रख रहे हैं. तो एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये आई थी कि आपने रमीज़ राजा को डाल दिया अपने प्लेइंग लाइक टॉप 11 में ओडीआई के. तो थोड़े से इंसाइट दें कि कोई इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था और आप क्या सोच रहे थे इसके बारे में. अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा प्लेइंग 11 के ऊपर बता दूं कि वैसे तो ये एक फन प्रैक्टिस होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस तरह जो है वो मैच में जाते हैं. और हम देखते हैं कि हर साल हमें आईसीसी की तरफ से भी एक प्लेइंग 11 सामने आती है वनडे की और टेस्ट मैचेस की. तो आई थिंक एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और इससे आपकी जो क्रिकेट नॉलेज है, आपका जो माइंडसेट है, जो भी वो बंदा प्लेइंग 11 बनाता है, जो कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि वोटिंग के ऊपर बनाती हैं, इनके 8-10 लोगों का पैनल होता है फिर वो बनाते हैं. लेकिन एक अगर कोई इंडिविजुअल एक बंदा बना रहा है तो उससे बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं. तो मेरी जो उसमें मेरा जो माइंडसेट था वो ये था कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ओपनिंग की है सिर्फ उन्हीं को ऑल टाइम 11 में भी ओपन करना चाहिए. तो अगर आप पाकिस्तान के ऑल टाइम ओपनर्स देखें वनडे क्रिकेट में तो आपको बहुत सारे नाम नहीं मिलेंगे. आपको सईद अनवर का नाम मिलेगा, आपको आमिर सोहेल का नाम मिलेगा, आपको रमीज़ राजा का नाम मिलेगा. ये पाकिस्तान के टॉप 3 ओपनर्स हैं इन टर्म्स ऑफ रन अगर आप देखें तो. लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि बाबर आजम, ज़हीर अब्बास, तो मैंने उनको ये कहा कि ये दोनों प्लेयर्स ओपनर्स नहीं थे. दोनों बहुत ग्रेट प्लेयर्स हैं लेकिन इनका कंपटीशन मिडिल ऑर्डर में है, किसी ओपनर के साथ नहीं है. अच्छा, अब बात आती है कि रमीज़ राजा के आने का क्या मकसद था उस वर्ल्ड 11 में. तो अगर मैं उस टीम में आमिर सोहेल और सईद अनवर को रख देता तो किसी ने कोई इतराज़ नहीं करना था, क्योंकि ये बहुत जो है पॉपुलर चॉइस है और पूरी दुनिया की नज़र में एक सईद अनवर और आमिर सोहेल का एक बड़ा अच्छा ओपनिंग प्लेयर था और था भी, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन अगर आप सईद अनवर तो सबकी चॉइस होगी एज एन ओपनर, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें आमिर सोहेल का और रमीज़ राजा का तो बहुत से लोगों को ये हैरानी होगी कि रमीज़ राजा का जो रिकॉर्ड है इट्स बेटर देन आमिर सोहेल. अगर हम उनकी करियर एवरेजेस को देखें तो और स्ट्राइक रेट को देखें तो नियरली सेम है. लेकिन रमीज़ राजा की जो परफॉर्मेंसेज हैं बड़े टूर्नामेंट्स में, जिस तरह वर्ल्ड कप में उनकी एवरेज 50+ है, इसी तरह नेहरू कप है, तो जो बड़े इवेंट्स में रमीज़ राजा ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, जिसकी वजह से मैंने उनको प्रेफरेंस दी ओवर आमिर सोहेल. आमिर सोहेल भी बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन थे और उनको देखने का बहुत मज़ा आता था. लेकिन अगर आप सिर्फ स्टैट्स और एनालिसिस के ऊपर जाएं तो मुझे ये लगा कि रमीज़ कुड बी अ बेटर पार्टनर विद सईद अनवर. और मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर आप सईद अनवर की और रमीज़ राजा की अगर आप उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप्स है अगर आप उनको भी देखें तो उसकी एवरेज 50+ है. Nice. That's a great insight. अच्छा, हम लोग अभी बाबर आजम की बात कर रहे थे. अब बाबर आजम अभी तो आपके ऑल टाइम 11 में है नहीं, मगर जिस तरह वो खेल रहा है, जो उसकी प्रोजेक्शंस हैं, आपको लगता है कि इन द नियर फ्यूचर वो पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट बैट्समैन में से आ सकता है? 100%, अगर इसी तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेज जाती रही जिस तरह के उन्होंने पिछले 2-3 सालों में परफॉर्म किया है, ना सिर्फ वनडे टेस्ट, वो पाकिस्तान की हर टीम के अंदर जो है वो आ जाएंगे. अभी उनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है और टेस्ट में तो अभी इस सीजन में उन्होंने परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में. उससे पहले वो स्ट्रगल कर रहे थे. वनडे में वो 3-4 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम था. लेकिन 2019 में उनका स्ट्राइक रेट भी अमेजिंग था. हिज परफॉर्मेंस वाज एज गुड एज विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, and rightly so they are the top 3 batsmen in the ODI rankings right now. Number 1 पे विराट हैं, फिर रोहित हैं और फिर बाबर आजम हैं. तो आई थिंक के 1-2 सालों के अंदर अगर उनकी यही इसी तरह अगर उनकी परफॉर्मेंसेस रही तो वो इजीली पाकिस्तान की जो ऑल टाइम वनडे 11 है उसमें आ जाएंगे. अच्छा मजहर भाई, मेरा एक क्वेश्चन है करंट सिचुएशन के हवाले से कि क्योंकि कोविड की वजह से ऑब्वियसली क्रिकेट और दुनिया भर के स्पोर्ट्स अभी बिल्कुल पॉज पे हैं, तो ये आपको नहीं लगता कि ये दिस विल अफेक्ट बाबर आजम एंड विराट कोहली, यानी जो मेजर प्लेयर्स हैं जो अपने प्राइम में अभी खेलना चाहते थे नेक्स्ट ईयर 12 महीने 18 महीने, वो उनके परफॉर्मेंसेस पे, उनके स्टैट्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिग टाइम? देखें, उसमें सिर्फ बाबर आजम तो नहीं है, उसमें तो सबके लिए चैलेंज होगा, सबके लिए कि वो, क्योंकि आप जितना मर्जी जिम कर लें, जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस कर लें घर में, जो फील्ड के ऊपर परफॉर्मेंस या फील्ड के ऊपर जो प्रैक्टिस होती है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. जब तक एक बैट्समैन नेट्स नहीं करेगा, प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेलेगा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा एक्चुअली. अगर ये 5-6 महीने का गैप आ जाता है क्रिकेट में, 4-5 महीने का गैप तो प्लेयर्स फिर भी यूज टू होते हैं, लेकिन उसमें भी आप देखें कि अगर कभी किसी प्लेयर की क्रिकेट के अंदर 3-4 महीने का या 5 महीने का गैप आ भी जाए तो वो कम से कम नेट्स के ऊपर प्रैक्टिस करता रहता है. अभी तो ये सिचुएशन है कि नेट्स में आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा प्लेयर है पाकिस्तान में जिसके पास घर में नेट्स की फैसिलिटी हो. बिस्पाउल हक एक ऐसे प्लेयर है जिनके घर में नेट्स हैं लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा पूरी दुनिया के सब प्लेयर्स के लिए कि वो इस गैप से वापस आके वो कैसे परफॉर्म करते हैं. तो ये सिर्फ बाबर आजम के लिए नहीं, पूरी दुनिया के बैट्समैन और बॉलर्स के लिए चैलेंज होगा. जी, आपका पाकिस्तान के गेम्स कवर करने का कैसा एक्सपीरियंस था? और अभी रिसेंटली आप मेरे ख्याल से, हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि आपने पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो मैच था वर्ल्ड कप का, आपने वो भी कवर करते, तो वो बाबर आजम की वो 100 आप कहाँ रेट करेंगे? कोई इंटरेस्टिंग स्टैट्स उसके बारे में? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के बैट्समैन की जितनी भी वर्ल्ड कप में इनिंग्स हैं, वो मेरा ये ख्याल है कि जो मैंने जितनी इनिंग्स देखी हैं, मैंने पहला वर्ल्ड कप 96 का देखा था और उसके बाद से I think that's the best innings that I have seen by a Pakistan batsman in World Cups. सईद अनवर की भी अच्छी इनिंग्स थी 99 में, लेकिन सईद अनवर ने उस सिचुएशन में की थी जब इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था. बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था उस मैच में. 1-2 शुरू में जल्दी आउट भी हो गए थे और टारगेट चेस करना था. डू और डाई मैच था पाकिस्तान के लिए, विकेट भी आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा बॉल जो है ब्रेक हो रहा था. और उस मैच की खास बात थी कि मैंने उस तरह का क्राउड भी कभी अपनी लाइफ में पाकिस्तान के मैच में इस तरह का क्राउड नहीं देखा, नॉट इवन इन पाकिस्तान. एक बहुत ज्यादा पैशनेट क्राउड था, वन साइडेड क्राउड था, इवन दो कि इंग्लैंड में मैच हो रहा था और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, वेदर बहुत अच्छा था. और जिस तरीके से बाबर आजम ने वो चेज की, और मैंने पहले भी कहीं पे बात की थी कि 32 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान के किसी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने वर्ल्ड कप में सेंचुरी की. ओपनर्स की तरफ से हम देखते रहे हैं, रमीज राजा की सेंचुरीज थी, आमिर सोहेल, सईद अनवर, लेकिन एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने 32 सालों में कोई सेंचुरी नहीं की थी. 87 में सलीम मलिक ने की थी, उसके बाद बाबर आजम ने वो सेंचुरी की. तो मैंने जितनी भी पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस देखी हैं, ऑब्वियसली 92 वर्ल्ड कप मैंने नहीं देखा हुआ, लेकिन 96 ऑनवर्ड्स मैंने जितने भी मैचेस देखे हैं, दैट वाज द बेस्ट इनिंग्स बाय एनी पाकिस्तान बैट्समैन इन ए वर्ल्ड कप गेम. Undoubtedly, especially जो सिचुएशन थी हम लोग को, वो डू और डाई, न्यूजीलैंड में undefeated जा रहा था, तो आई थिंक इट वाज अ रियली ग्रेट इनिंग्स. मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो आपकी जो ऑल टाइम 11 देखते हैं तो बेसिकली 7 से 8 प्लेयर ऐसे हैं जो एक साथ खेले हुए हैं, तो मतलब डोंट यू थिंक कि जो पाकिस्तान की बेस्ट टीम थी लेट 90s की, दैट वाज द बेस्ट टीम ऑफ पाकिस्तान एवर, एंड दे मगर उन्होंने जस्टिस नहीं किया अपने साथ, लाइक इतने मैचेस नहीं जीत पाए जितने उनको जीतने चाहिए थे? यस, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिकली जो लेट 90s की पाकिस्तान टीम थी, यू कैन कंसिडर दैट एज एन ऑल टाइम पाकिस्तान बेस्ट टीम एवर. लाइक उसमें से अगर आप पाकिस्तान की भी अगर हिस्ट्री की बेस्ट टीम निकाले तो 7 से 8 प्लेयर उस टीम से निकलते हैं, तो मगर उस टीम ने इतना जस्टिस नहीं किया अपने टैलेंट के साथ, उस तरह डोमिनेट नहीं किया. तो वुड यू एग्री विद दैट? जी बिल्कुल. मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की 90s की जो टीम थी वनडे क्रिकेट में, सिर्फ वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वो ग्रेटेस्ट एवर टीम थी इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट. दैट इंक्लूड्स वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया एंड द करंट इंडियन टीम. तो क्योंकि अगर आप देखें सईद अनवर वर्ल्ड क्लास ओपनिंग बैट्समैन, मिडल ऑर्डर में इंजमाम, यूसुफ, इजाज, कीपर्स में मोइन खान, ऑलराउंडर्स में शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, फास्ट बॉलर्स में वसीम, वकार शुएब, स्पिनर्स में सकलैन मुश्ताक। तो उस तरह का टैलेंट हमें एक एट ए टाइम जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। इवन जो 2007 तक जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी उस वो भी मेरा ख्याल है कि इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी कि पाकिस्तान की थी। जहाँ तक बात है परफॉर्मेंसेस की, तो ऑफ कोर्स आई थिंक के, और ये बहुत से लोगों से मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान 3 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप जीत सकता था। 92 में है पाकिस्तान के पास इतना चांस नहीं था लेकिन वो वर्ल्ड कप जीत गए, लेकिन 96 और 99 दोनों में पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड कप जीतने की। 96 तो आपका होम ग्राउंड था, अगर आप वो क्वार्टर फाइनल जीत जाते तो आई थिंक एक सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी, तो पाकिस्तान 3 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप जीत सकता था। तो ऑब्वियसली जस्टिफाई नहीं किया उन्होंने टैलेंट, उसकी जो पॉलिटिक्स थी, आपको पता है कि उस टाइम कितनी पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिक्स थी, और खैर उसको अब क्या डिस्कस करना, लेकिन आई थिंक के जिस तरह की वो टीम थी उनको मजीद मैचेस जीतना चाहिए। मजहर भाई, आपको आजकल की इंडियन टीम जो आपने कहा कि पाकिस्तान की लेट 90s की टीम आज की इंडियन टीम से ज़्यादा डोमिनेटिंग थी, अगर आप आज की इंडियन टीम वर्सेस 99 की पाकिस्तान टीम को अगर आप वर्सेस कराएं तो आपके उस 11 में कौन होगा, पाकिस्तान के 11 में कौन होगा? पाकिस्तान की जो उस टाइम मेरा ख्याल जो 99 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान ने टीम खिलाई है वो वही जो है 11 होगी, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं। अगर मैं आपके क्वेश्चन को समझाऊं तो वो आई थिंक जो 99 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान टीम लेके गया था, वजाहतुल्लाह वास्ती शायद उस टीम में ना आए अगर आप अभी देखें तो, लेकिन आई थिंक सईद अनवर, शाहिद अफरीदी अगर ओपनर हों, नीचे इंजमाम, इजाज, यूसुफ, फिर मोइन खान, अब्दुल रज़ाक, वसीम, वकार, सकलैन, शुएब, तो ये आई थिंक वो बेस्ट टीम होगी। अभी जो इंडिया की टीम है उसकी बैटिंग में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, जो उनका टॉप ऑर्डर अभी है इन द फॉर्म ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, इवन जो धवन है वो भी अच्छे ओपनर है, तो टॉप 3 तो उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बॉलिंग में भी हम देखते हैं कि बुमराह अच्छे बॉलर हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम बुमराह को हम वसीम, वकार और शुएब के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, और इवन सकलैन, तो वो पाकिस्तान का वो जो एक बॉलिंग अटैक था ना उसका कोई कंपैरिजन नहीं है पूरी दुनिया में। अच्छा, विराट कोहली वर्सेस सचिन तेंदुलकर, व्हाट डू यू थिंक कि कोई कंपैरिजन है या फिर एरास डिफरेंट है, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एरास पे डिफरेंट है, सचिन ने बिल्कुल डिफरेंट बॉलिंग क्वालिटी को खेला हुआ है। अगर आप उस टाइम देखें एलन डोनाल्ड, ग्लेन मैग्रा, एम्ब्रोज, वसीम, वकार, हर टीम में एक ऐसा बॉलर होता था जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर था, तेज एक्सप्रेस बॉलर था, और तब विकेट्स आप एक और जो बहुत से लोग पॉइंट मिस करते हैं वो ये है कि पहले जो वनडे क्रिकेट होती थी वो रेड बॉल से होती थी और मैचेस शुरू होते थे सुबह 9 बजे, तो 9 बजे आके रेड बॉल के ऊपर खेलना एक और उसकी एक स्किल और होती, उसकी बिल्कुल कंप्लीटली एक डिफरेंट स्किल होती है, जिस तरह टेस्ट मैच में आपको शुरू में थोड़ा सा महतात होना पड़ता है, तो वनडे क्रिकेट भी ऐसे होती थी। अब आप देखेंगे 12 बजे 2 बजे मैचेस शुरू होते हैं जब धूप निकली होती है और विकेट्स भी फ्लैट हो गई हैं, तो कोई इतना कंपैरिजन बनता नहीं है। और सचिन ने जो सर्व किया इंडिया को वो 20-22 साल तक सर्व करना, इट्स अनबिलीवेबल कि आप इतनी देर तक क्रिकेट खेलें और सक्सेसफुली खेलें, और एंड तक जो है उन्होंने रन किए। अगर आप उनकी आखिरी 2 वनडे इनिंग्स देखें तो एक में सेंचुरी है, एक में 50 है, तो आई थिंक अभी कंपैरिजन नहीं बनता। असल जो इनकी लेगेसी का जो कंपैरिजन बनेगा वो तब बनेगा जब विराट कोहली रिटायर होंगे, क्योंकि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं जी कि सचिन तेंदुलकर मैचेस बहुत ज्यादा खेला है, इस वजह से उसके ज्यादा रन हैं, तो मैचेस ज्यादा खेलना भी एक अचीवमेंट है। हर कोई प्लेयर क्यों नहीं 20 साल खेलता, तो ये उनके अंदर हंगर था, पैशन था, उनकी फिटनेस अच्छी थी कि उन्होंने इतनी देर तक क्रिकेट को सर्व किया, इंडिया को सर्व किया। तो अभी तक तो मेरा ख्याल है कि सचिन तेंदुलकर का जो इम्पैक्ट है इंडियन क्रिकेट के ऊपर, अगर विराट कोहली भी अगर आज कुछ हैं तो उसके अंदर भी थोड़ा सा रोल एक सचिन तेंदुलकर का है कि विराट कोहली को सचिन की तरह का एक हीरो मिला जिसको फॉलो करके आज वो विराट कोहली बने हैं। तो आई थिंक कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ मेरे से ये पूछेंगे मुझे किसको ज्यादा देखने में मजा आता है तो मैं कहूंगा विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली जिस तरीके से शॉट्स खेलते हैं, जिस तरीके से चेज करते हैं और जो उनका करिश्मा है, मुझे उनको मेरे ऑल टाइम फेवरेट इंडियन प्लेयर जो हैं वो। कभी देखा आपने लाइव कोहली को, या फिर कोई एज अ फैन मैच देखने को मिला रिसेंटली कोई आपको? एज अ फैन तो नहीं, लेकिन ये है कि विराट कोहली की जो पहली डबल सेंचुरी थी वो मैंने कवर की थी एंटीगा में, जो 2016 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट डबल सेंचुरी की थी, तो वो मैच में वो मैंने कवर किया था। और उससे पहले उनकी कोई डबल सेंचुरी नहीं थी, नॉट इवन इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। उनका जो हाईएस्ट स्कोर था फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे वो पाकिस्तान की एक टीम है सुई नॉर्दर्न गैस, उनके खिलाफ था, क्योंकि एक टूर्नामेंट हुआ करता था, बल्कि एक मैच हुआ करता था जिसमें रणजी ट्रॉफी का जो विनर होता था वो काजम ट्रॉफी के विनर के साथ खेलता था। तो अच्छे वक्तों में वो मैचेस हुआ करते थे, तो तब दिल्ली से खेलते हुए उन्होंने 197 आई थिंक किया था, और उसके बाद उनकी पहली फर्स्ट क्लास और टेस्ट जो डबल सेंचुरी थी वो अंटीगा में थी। तो वो मैच मुझे देखने का इत्तेफाक हो। उसके बाद मैंने काफ़ी इंडिया के मैचेस कवर किए हैं। 2018 में जो इंग्लैंड में जो वनडेज और T20s हुए थे वो मैंने कवर किए थे इंडिया के। वर्ल्ड कप में मैंने कई मैचेस कवर किए हैं, T20 वर्ल्ड कप में कई मैचेस कवर किए हैं। तो काफी मैचेस देखने का इत्तेफाक हुआ है। एज ए फैन जो है वो मैंने कभी नहीं उनको देखा। अच्छा, अभी मैं वो देख रहा था जो Amazon प्राइम डॉक्यूमेंट्री आई है एशेस की, तो उसमें एक एपिसोड था, ऑस्ट्रेलियन टीम ने बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट हायर किया हुआ था। तो जब उनका मैच इंग्लैंड से पड़ा तो उन्होंने लेफ्ट आर्म स्टीमर जेसन बेरेनॉफ को खिलाया, क्योंकि उनके बैट्समैन इंग्लैंड के वीकर थे उसके लेफ्ट आर्म स्टीमर्स के ऊपर। फिर अभी रिसेंटली हमने देखा मुल्तान सुल्तान ने भी 3 एनालिस्ट हायर किए हुए और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर थी। वे टॉप द टेबल, 6 में से 8 मैच जीते, प्लेइंग 11 और ड्राफ्ट पिक्स भी उनकी ऐसी थी। तो डू यू थिंक इट्स द टाइम के सारी टीम्स को अब एक इंडोर्स करना चाहिए कि एक स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट अब ज़रूरी हो गया क्रिकेट में? व्हाट्स योर टेक? आई थिंक ऑलरेडी सब टीम्स के पास है एनालिस्ट, पाकिस्तान के पास भी हैं, और हर टूर के ऊपर एक एनालिस्ट होता है। लेकिन वो स्टैट्स के ऊपर एक थोड़ा सा ये भी है कि जरा स्टैट्स के जो एनालिसिस है वो और होते हैं, जो वीडियो एनालिसिस है वो और होते हैं। तो मोस्टली अभी भी कैसी टीम्स हैं जो कि वीडियो एनालिसिस के ऊपर रिलाई करती हैं, और पाकिस्तान आई थिंक मोस्टली वीडियो एनालिसिस के ऊपर करता है रिलाई। लेकिन हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो रही हैं। जिस तरह आपने मुल्तान सुल्तान्स का ही जिक्र किया, तो मुल्तान सुल्तान्स में 2-3 थे एनालिस्ट और परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। तो ऑब्वियसली आई थिंक अब तो दुनिया की हर टीम के पास ही एक एनालिस्ट होता है, और ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर लोगों का फोकस है। आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की टीम के साथ तो आप व्हाट वुड यू प्रेफर? देखिए, मैं तो भी अपनी जो मेरी जॉब है मैं ब्रॉडकास्टर्स के साथ एंजॉय कर रहा हूँ उसके, और थोड़ा बहुत मैं लिखता भी हूँ, ब्लॉग्स लिखता हूँ, स्टैट्स बेस्ड जो ब्लॉग्स होते हैं। तो आई थिंक अभी तक तो मैं यहाँ पे हूँ, फ्यूचर का किसी को कुछ पता नहीं है, अभी तक तो मैं जो वो टीवी को एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा बताएं, आपका क्रिकेट गिफ्ट जो है, जो विच आई वुड से वाज लाइक द पाकिस्तानी वर्जन ऑफ क्रिकिनफो, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, उसके साथ क्या काम करते हैं आप? देखिए, मैं बेसिकली मैं फ्रीलांसर हूं, और मोस्टली मैं जितना भी काम करता हूं एज ए फ्रीलांसर करता हूं। तो क्रिकिन गिफ्ट एक पाकिस्तान की बहुत अच्छी वेबसाइट है, और ज़्यादा फोकस उनका वीडियोस के ऊपर है, और मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा कंटेंट उन्होंने जनरेट किया, स्पेशली PSL में। उनका PSL के राइट्स भी थे, और उसके ऊपर हमने काफ़ी स्टैट्स फीचर्स भी किए, हर मैच के बाद एक स्टैट्स फीचर करते थे। तो काफ़ी अच्छा उनका कंटेंट है। तो अभी ये है कि क्योंकि और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और मैं क्योंकि उनके साथ काफ़ी देर से एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा था, तो आजकल थोड़ा ज़्यादा मैं उनके साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि और कोई जो क्रिकेट है वो हो नहीं रही। तो आप क्वारंटीन में बैठ के, एटलीस्ट घर में बैठ के आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से मेरा जो है उनके साथ चल रहा है। तो क्वारंटीन में बेसिकली आप जो कैसे टाइम आप गुजारते हैं एज ए क्रिकेट एनालिस्ट, इसका काम ही ऑन द फील्ड वर्क है, और जब क्रिकेट नहीं हो रही है तो फिर आप घर में बैठ के कैसे वक्त गुजार रहे हैं? आपके सामने ये प्लेइंग 11s बना लेते हैं। तो उसमें थोड़ा सा एक आपको एक्टिविटी मिल जाती है, क्योंकि आप देखेंगे इस टाइम पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है कि आपने क्रिकेट की जो फैन बेस है उसको आपने कैसे एक्टिव रखना है। उसमें कई लोग पुराने मैचेस के ऊपर बॉल बाय बॉल कमेंट्री कर रहे हैं, कई लोग वर्चुअल टेस्ट मैचेस कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी और चीज है मेरे लिए कि आप एक वर्चुअल टेस्ट मैच कर रहे हैं। स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर हमने देखा है ये। फिर कई लोग जो है वो पुराने जो मैचेस हैं उनकी हाइलाइट्स या इवन जो फुल जो होते हैं मैचेस उनको भी दिखा रहे हैं। तो किसी ना किसी तरीके से आपने फैंस को इंगेज रखना है, आपने फैन बेस को एक्टिव रखना है। तो मेरा भी फिर ये होता है कि ट्विटर के ऊपर मैं कोई पुराने स्टैट्स शेयर कर लूँ। जैसे मैंने भी एक, आपने अगर देखा हो 1-2 दिन पहले मैंने स्टैट्स की एक थ्रेड बनाई थी, जिसके अंदर मैंने जो बहुत जो मतलब कि आप कह लें कि फनी किस्म के स्टैट्स है वो मैंने डिस्कस किए थे। तो ऐसे ही जो है बस आप फिर क्वारंटीन में आपको अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग स्टैट में जरा मजहर भाई के बारे में बताऊं कि दिस पीएसएल वाज द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने कोई पीएसएल की लाइव बॉल मिस की होगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द होल प्रोडक्शन थिंग। तो आप बॉल बाय बॉल पिछले 5 साल से देख रहे हैं पीएसएल, लाहौर के अंदर जीत क्यों नहीं पा रही यार? बॉटम पे क्यों खत्म होती है हमेशा? जी, वो एक तो ये था कि पहले जो 4 पीएसएल्स थी वो सारी उसमें ये था कि एक ही आपका जब ब्रॉडकास्ट शुरू होता था एक ही होता था और वो सब मैचेस कवर करता था। तो वो मुझे सब मैचेस कवर करने का इत्तेफाक हुआ। इस बार ये था कि आप कि सुबह को लाहौर में मैच होता था तो सुबह को कराची में होता था तो शाम को लाहौर में होता था, तो पॉसिबल नहीं था कि आप दो वेन्यूज के ऊपर एक टाइम पे हो। तो इस साल पहली बार मैंने पीएसएल की बॉल मिस की, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो क्रिकेट को कवर करने का, आई थिंक लाहौर कलंदर्स के साथ उनकी जो इशू था वो ड्राफ्ट के अंदर बहुत सारी जो है मिस्टेक्स करते थे कि वो बैट्समैन बहुत ज़्यादा सिलेक्ट कर लेते थे, बॉलिंग वीक होती थी, कभी विकेट कीपर नहीं सिलेक्ट होता था, अगर बॉलिंग उन्होंने सिलेक्ट की अच्छी तो उनके पास डेथ बॉलर्स नहीं होते थे। आप देखेंगे अक्सर पहले भी वो मैचेस होते थे कि वो 200 रन करके भी हार जाते थे। इस बार ये हुआ, एक तो उनकी बॉलिंग अच्छी थी, शाहीन अफरीदी अब ही इज मच बेटर बॉलर देन द प्रीवियस ईयर्स, और हारिस रऊफ का भी थोड़ा सा क्वेश्चन था इवन दो कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो ये एक उनको फायदा था, शाहीन अफरीदी का उनको बहुत ज्यादा फायदा। दूसरा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था वो ये था कि पहले पीएसएल के जो मैचेस होते थे वो स्लो विकेट्स के ऊपर होते थे, दुबई में, अबू धाबी में, क्योंकि एक ही ग्राउंड के ऊपर बहुत ज्यादा मैचेस होते थे तो पिचेस यूज होती थी, तो वहां पे जो एवरेज स्कोर होता था वो 150 160 होता था, बल्कि ये भी शायद मैं आपको थोड़ा ज्यादा बता रहा हूँ। लाहौर एक ऐसी टीम थी जो कि रिलाई करती थी 180 190 रन के ऊपर, तो इस बार क्योंकि पिचेस उनको उस तरह की मिली, उनकी जो पावर हिटर्स थे उनको मौका मिला कि वो लंबे रन कर सकें, तो इस बार आप देखेंगे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और बल्कि अब तो एंड जब पीएसएल एंड हो रहा था तो लग रहा था कि वो फेवरेट्स वो लग रहे थे, और अभी भी अगर पीएसएल दोबारा होती है और इसी तरह के विकेट्स हों तो यू नेवर नो कि वो ये टूर्नामेंट जीत भी सकते हैं। तो मज़हर भाई आपको क्या इनसाइट इस बारे में कि जो पीएसएल जो सस्पेंड हुआ है कोविड की वजह से, क्या वो मतलब वहीं से कंटिन्यू होगा या ये सीरीज मतलब सीज़न सस्पेंड हो गया है फॉर श्योर, अब नेक्स्ट सीज़न से स्टार्ट करेंगे? आप अगर आप बोर्ड पे होते तो आपका क्या राय होती इसके बारे में? देखिए उसके अंदर अभी अगर आप देखें जो न्यूज़ आ रही हैं, जो ऑफिशियल जो न्यूज़ आई हैं जो पीसीबी की तरफ से भी, वो ये है कि उनकी प्लानिंग ये है कि इसको हम ये मैचेस करवाएंगे और आपको सिर्फ 2 या 3 दिन की विंडो चाहिए, क्योंकि अब मुझे ये नहीं पता कि वो सेमीफाइनल्स करवाएंगे या प्लेऑफ्स करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने बाद में ये डिसाइड किया था कि हम 2 सेमीफाइनल्स और 1 फाइनल करवाएंगे। प्रीवियसली इट वॉज 3 प्लेऑफ गेम्स एंड 1 फाइनल। तो अगर 3-4 मैचेस हैं तो वो आप 3 दिन में करवा सकते हैं, और आई थिंक पीसीबी की कोशिश है कि नवंबर में जो है T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान के अंदर अगर ये हालात ठीक हो जाते हैं तो हों, अगर नहीं तो फिर अगले साल पीएसएल से पहले आप करवा लेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम इसके अंदर ऐसे नहीं होगा कि मुल्तान सुल्तान्स ने पॉइंट्स टेबल टॉप किया तो वो विनर हो जाएंगे। आई थिंक हमें प्लेऑफ्स देखने को मिलेंगे। सर थैंक यू सो मच मंजर भाई, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और ऐसे ही हमारे लिए इंटरेस्टिंग स्टार्ट्स निकालते रहें और ट्विटर पे स्पेशली हम लोगों को एंटरटेन करते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच सेकंड टाइम आने के लिए। फर्स्ट टाइम हमसे टेक्निकली इशू हो गया था, सेकंड टाइम यू वर चैंप। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। फिर से सारी बातें जो नहीं करनी थी कर डाली माँ।